अस्सलाम वालेकुम। मैं मदरसा मौलाना आज़ाद अपर प्राइमरी स्कूल की उर्दू की टीचर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा फोर्थ की उर्दू की बुक सबक नंबर एक, सुबह की आमद। सुबह की आमद एक नज़्म है। नज़्म का मतलब हिंदी में कविता, इंग्लिश में हम पोएम बोलते हैं। यानी सुबह का मतलब होता है सुबह यानी सवेरे, और आमद यानी आना, यानी सुबह का आना। तो इस नज़्म को पहले मैं पूरा पढ़ूँगी। सुबह दिन के आने के मैं ला रही हूँ, उजाला जमाने में फैला रही हूँ। बाहर अपनी मशरक से दिखला रही हूँ, पुकारे गले साफ चिल्ला रही हूँ। उठो सोने वालों में आ रही हूँ, अजा पर अजा मुख देने लगा है। खुशी से हर एक जानवर बोलता है, दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है। सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है, उठो सोने वालों में आ रही हूँ। ये चिड़िया जो पेड़ों पे है गुल मचाती, इधर से उधर के आती है जाती। दुमों को हिलाती, परों को फुलाती, मेरी आमद आमद के है गीत गाती। उठो सोने वालों में आ रही हूँ। जो तोते ने बागों में टेटे मचाई, तो बुलबुल भी गुलशन में है चहचहाई। और ऊँची मुंडेरों में परशमा भी गाई, मैं सो सो तरह दे रही हूँ दुहाई। उठो सोने वालों में आ रही हूँ, हुई मुझसे रौनक पहाड़ और वन में। हर एक मुल्क में, देश में और वतन में, खिलाती हुई फूल आई चमन में, बुझाती चली शम्मा को अंजुमन में। उठो सोने वालों में आ रही हूँ। इस नज़्म के जो शायर है, जो लिखने वाले राइटर है, उनका नाम है इस्माइल मेटी। अब इस नज़्म के मुश्किल अल्फाज और इसका खुलासा। खबर दिन के मैं आने की मैं ला रही हूँ, यानी खबर यानी सुबह के वक्त की जो खबर है वो सूरज की किरण ला रही है। यानी मशरक यानी जहाँ से सूरज निकलता है, यानी जब सूरज पूरब से निकलता है तो दिन होने का पता चलता है और चारों तरफ उजाला हो जाता है। और हर एक इंसान, चाहे चरिंदे हो चाहे परिंदे, सब उड़ जाते हैं। अजा पर अजा मुल्क देने लगा है, खुशी से हर एक जानवर बोलता है। दरख्तों के ऊपर अजब चहचहाए, सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है। सुबह के वक्त मुर्गा बाग देने लगता है, जिससे सारे पेड़ों पर चिड़िया है या जानवर सब उड़ जाते हैं और अजब से चहचहा होने लगती है। और ठंडी सी हवा, सुबह के वक्त जो मौसम होता है बहुत ही सुहाना होता है, जो हमें अच्छा लगता है। उठो सोने वालों में आ रही हूँ। ये चिड़िया जो पेड़ों पे है गुल मचाती, इधर से उधर की उड़ के आती है जाती। दुमों को हिलाती, परों को फुलाती, मेरी आमद आमद के गीत गाती। यानी चिड़िया भी सुबह के वक्त जब सूरज की रोशनी निकलती है तो चिड़िया या परिंदों को पता चल जाता है कि सुबह का वक्त हो गया और हमें अपने काम में लग जाना है। इसलिए वो काम को करने के लिए अपने दुमों को हिलाती है और परों को फैला कर यानी तैयार हो जाती है कि बस हमें इधर को उधर चल के हमें अपना काम करना है, घोंसला बनाना है। जो तोते ने बागों में टेटे मचाई, तो बुलबुल भी गुलशन में है चहचहाई। और ऊंची मुंडेरों पर शमा भी है गाई, मैं सो सो तरह दे रही हूँ दुहाई। यानी जब परिंदे भी खुदा से फरियाद करते रहते हैं कि सुबह होने का शुक्र अदा करते रहते हैं, तोते अपनी आवाज़ से टेटे करता है, तो बुलबुल भी बागों में चहचहाने लगती है। हुई मुझसे रौनक पहाड़ और वन में, हर एक मुल्क में, देश में और वतन में, खिलाती हुई फूल आई चमन में, बुझाती चली शम्मा को अंजुमन में। यानी सूरज की रोशनी से जब सब चारों ओर, चाहे पहाड़ हो चाहे जंगल हो, सब जगह उजाला हो जाता है। हमारा मुल्क हो, देश हो या परदेश हो, परदेश यानी विदेश, देश यानी जो हम अपने मुल्क में रहते हैं भारत, वो चारों तरफ उजाले की किरण फैल जाती है और सारे चारों ओर उजाला हो जाती है। यानी सूरज की किरण से जहाँ कलियाँ खिल जाती है, वहीं रात की जो महफिल की जो शमा होती है वो भी बुझ जाती है। तो इस नज़्म के जो शायर है वो इस्माइल मेटी है। तो इस नज़्म को आप अपनी नोटबुक में लिखना और याद करना है। अल्लाह हाफिज़।